हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल, आप सभी का अपने चैनल मनी ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप सभी को नई नई चीज़ों के साथ अवगत कराते रहें, मार्केट के ट्रेंड के साथ अवगत कराते रहें, आपको बताते रहें कि किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, किन बातों को आपको सीखना है। और इसी सीरीज़ के तहत जिस तरह से CNBC आवाज़ पर एक सीरीज़ चलती है, कल का खिलाड़ी आज, तो इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई जो स्टॉक्स ये सजेस्ट करते हैं वो नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कितना परसेंट परफॉर्म करते हैं पॉसिबली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल 16 अक्टूबर यानी 16th अक्टूबर 2018 को CNBC आवाज़ पर तीन स्टॉक्स के बारे में एक भारी डिस्कशन हुआ। तीनों ही स्टॉक अगर मैं कहूँगा तो अच्छे हैं, मैं उनको ये नहीं कहूँगा वो स्टॉक ख़राब है, बट क्या जिस तरह से वो एश्योरेंस के साथ कह रहे थे कि आज वो भागेंगे, क्या वो उनका कहना सही था? तीन स्टॉक, सेंचुरी प्लाईवुड, नंबर 2 यूनिप्लाई और नंबर 3 भारत गियर्स, जहाँ पर प्लाईवुड कंपनीज़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अखबारों में, लोकल न्यूज़पेपर्स में है, प्राइस बढ़ने की खबरें आई हैं और ये आई हैं, वो आई हैं, और लोगों को एक तरीके से इनक्रेज कर रहे थे कि वो इन स्टॉक्स को खरीदें। जनरली दोस्तों देखिए क्या होता है, टीवी, आप टीवी का कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि CNBC आवाज़ और जी बिजनेस किस तरह से काम करते हैं। माय डियर, आप और हम रिटेल निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, हम CNBC आवाज़ या जी बिजनेस को किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं देते। और आज दुनिया में बहुत रेयर ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपको फ्री में, मुफ्त में आपको जेन्युइन एडवाइस मिल जाती है। कोशिश हम यही करते हैं कि आपको हम सही राय मशवरा दें, जिससे कि आपका जो नुकसान है वो कम से कम, वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। CNBC आवाज़ और जी बिजनेस के जो बड़े से बड़े क्लाइंट हैं, जब उनकी होल्डिंग्स किसी ऐसे स्टॉक में होती है जो अपने हायर या पीक पर पहुंच चुका होता है और उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है या उनको अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग करानी होती है, तो वो कुछ दिनों पहले भूमिका बांधनी शुरू करते हैं और आम पब्लिक के लिए कुछ नई सीरीज शुरू करते हैं, जिनमें कभी कभी कुछ स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं, जो जेन्युइनली परफॉर्म कर जाते हैं, और फिर उसके बाद वो ऐसे स्टॉक्स को बताते हैं जिनमें उनके क्लाइंट की होल्डिंग है और उनको निकलना है, और वो उनको खरीदने के लिए उकसाते हैं जिससे उनके क्लाइंट्स बेचें और लोकल या रिटेल पब्लिक जो है उनको खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है कि उनके क्लाइंट्स को जब खरीदना होता है तो वो आप लोगों से बिकवा देते हैं स्टॉक को ख़राब बता के, और जब उनके क्लाइंट्स को बेचना होता है तो वो आप लोगों से खरीदवा देते हैं उस स्टॉक की तारीफ के पुल बांध के। ठीक, कल तीन स्टॉक जो उन्होंने बताए थे वो तीन स्टॉक थे, सेंचुरी प्लाई जो कि आज 9% टूट के बंद हुआ है, भारत गियर्स जो कि आज 5.5% 6% टूट के बंद हुआ है, और यूनिप्लाई जो कि आज 10% के लगभग टूट के बंद हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही स्टॉक, चूँकि निफ्टी 130 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, इसीलिए तीन स्टॉक टूटे, नहीं। अगर आप इन स्टॉक की ओपनिंग देखेंगे तो ये स्टॉक मार्केट जब ग्रीन में था मॉर्निंग में, तब भी ये स्टॉक वीकनेस शो कर रहे थे। सेंचुरी प्लाई जरूर फ्लैट ट्रेड कर रहा था, बट भारत गियर्स और यूनिप्लाई दोनों ही नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग से। सो यहाँ पर ये चीज़ बताती है कि तीनों ही स्टॉक्स में गिरावट का दौर रहा, भारी गिरावट, थोड़ी बहुत भी नहीं, भारी गिरावट। जिन लोगों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग में 9:15 के आसपास जिन्होंने खरीद लिया जल्दीबाजी में, कल का खिलाड़ी आज देख के, और बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने इंट्राडे की ट्रेड उठाई होगी, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने मार्जिन पर बड़ी पोजीशन उठा ली होगी और अब उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होगा। 10% की गिरावट, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये 10% अगले एक या दो दिन में कवर होने वाला है, क्योंकि बिकॉज मुझे मार्केट में थोड़ी और वीकनेस अभी आने वाले फ्राइडे को नज़र आती है। कल तो हालांकि मार्केट बंद रहेगा, बट फ्राइडे जब मार्केट ओपन होगा तो मुझे लगता है कि वीकनेस और आनी चाहिए इन स्टॉक्स के अंदर। सो ओवरऑल तीनों स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म की अगर आपकी पोजीशन है तो आप बना के रखिएगा, निकलिएगा मत गिरावट में, वीकनेस पे बेचिएगा मत। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी मार्जिन पर ख़रीदा हुआ या आपने इंट्राडे पर ख़रीदा हुआ तो आप याद रखिएगा, कभी भी इस तरह की कॉल्स पर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक या दो दिन में जो कमाइयाँ होती हैं वो एक तरीके का गैम्बल होता है, वो कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होता है। सो आप हमेशा निवेश कीजिएगा, टीवी चैनल्स की जो भी न्यूज़ हैं उस पर कम फोकस कीजिएगा, केवल
उस बात पे फोकस कीजिएगा कि फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, कहाँ पर बॉटम बेस फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार प्रॉपर बॉटम बेस बन जाता है तो क्या रिवर्सल कब शुरू होगा उसका प्रॉपर इंतज़ार करिए और सही तरीके से सही वे में SIP के थ्रू निवेश कीजिए, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो चैनल्स, अखबार या जितने भी SMS हैं, मैसेजेस हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, ये सब धीरे 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 आपके सारे पैसे को हजम कर देंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। सो गाइज, अगर आपको समझ में आई हमारी बात तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के ऊपर और वर्कआउट करेंगे जिससे और बेहतर क्वालिटी या और बेहतर चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर पाएँ। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे और कल फिर हम बताएंगे कि आज जो 3 शेयर कल के खिलाड़ी गए हैं उनमें कल क्या परफॉर्मेंस रहेगी, वो हम कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार दोस्तों।